लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हो रहा है फैसला, अच्छे बुरे का आज चल रही है फिर से लंका, मिट रहा है रावण राज। राम राम आटा केसरिया, का बात है, आज तो बहुत चमक रहे हो। देखो कहो की नजर ना लग जाए। मर्दों को कभी नजर नहीं लगती, और फिर मुझ जैसे मर्द को जिसके पास नींबू और मिर्ची हमेशा रहती है। पान लगा। पान बाद में खाता हूँ। जो साड़ी मैं सेलेक्ट करती हूँ ना, वो भाभी को भी पसंद आते हैं। तुम फिक्र मत करो। ठीक है चिट्ठी, फिक्र नहीं करूँगा। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन को गुंडा उठा ले गया, उसे रोको। रन जाए पर लौंडिया ना जाए। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, जल्दी कर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को गुंडा उठा ले गया, उसे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए साहब। इंस्पेक्टर मदन लाल है। मैं चंदू बोल रहा हूँ। अरे चंद्रू, क्या बात है साले, इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आ गई? अरे यार, शहर में नई फिल्म लगी है मोहरा। ओ, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, वो गुंडा भाग जाएगा। सर प्लीज, सर प्लीज। क्या है, क्यों चीख रहा है? देखता नहीं कि फोन पे बात कर रहा हूँ? तेरी तो एक बहन खोई है ना, या बीसियों केसेस आते हैं लड़कियों के। जा वहां जाके खांडे के पास अपनी रिपोर्ट लिखवा दे। ये ले, लिख। वो कब गुम हुई, कैसे गुम हुई, कितने बजे गुम हुई, कहां गुम हुई, ऑटो का नंबर क्या है, सब लिख के रखो, मैं भी आता हूं। एक मिनट। ए भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। आ, 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 आ। साहब है? हाँ है, लेकिन प्राइवेट मीटिंग चल रही है। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? ए चरणदास की ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जिसको ऑटो का सेरिया नहीं जानता, बैठ। चरणदास जी। अरे भैया, फिर चरणदास, कितनी बार कहा मुझे इस नाम से मत पुकारो, इससे मुझे चरण और दास्ता की बू आती है। आप मुझे नौकरी दाता, लाइसेंस दाता, परमिट दाता, अन्न दाता कहिए, वो चरण दास है। अरे आओ 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 आओ। एक चूजा आया 16 साल का, वो देखोगे? ओ, दिल्ली से फोन आया, अर्जेंट हॉटलाइन पे, मुझे जाना पड़ेगा। अब बैठो, अब पियो दारू, पियो। माल कहाँ है? प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए, ऊपर कमरे में है। कैसी है? एकदम कोली है, चिकनी है, जा बिड़ू ऐश कर।
माल पसंद आ जाए तो रिटर्न भाड़ा दे देना। अरे भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता, हमेशा भाड़े की बात करता रहता है। क्या करूं, पुराना ऑटो ड्राइवर जो ठहरा। ठीक है, माल पसंद आ गया तो रिटर्न भाड़ा दूंगा। क्या जवानी है। चल चल जल्दी कपड़े उतार, मुझे जल्दी जाए, चल फटाफट कर लेते, चल। मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये हाथ जोड़ने वाले का तो कभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं खुद हाथ जोड़ जोड़ कर जनता को धोखा देता हूँ। चल क्या करते, चल। नहीं देख, मैं वोट लेने में जबरदस्ती करता हूँ, इस मामले में जबरदस्ती नहीं करता। नहीं। चल प्यार करते यार। पूरा मूड बिगाड़ दिया भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। क्या हुआ, तुम तो ऐसे चले आ रहे हो जैसे 5 दिन का क्रिकेट मैच एक ही दिन में खेल डाला। अरे खेली कहाँ हुआ है, अड़ीबाजी करती है। अरे अड़ीबाजी करती है तो उसका मतलब है कि छोड़ देने का। तो फिर क्या करने का। लड़की अगर अपनी मर्जी से आए तो तनख्वाह लेने जैसा, और अगर जबरदस्ती करना पड़े तो रिश्वत लेने जैसा। कहो तुम्हें क्या पसंद है। राजनीति में तो रिश्वत लेने में ही मजा है, लेकिन इस मामले में तनख्वाह हो तो अच्छा है। लेकिन वो तो तनख्वाह देने से इनकार कर रही है, क्या करे, वापस भेज दे साली को। अरे नहीं यार, मंच तैयार है, माइक भी हाथ में है, और भाषण देने से रोक रहा है, ये क्या अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ठीक करता हूँ साली को। ए, फीता मैं ही काटूंगा। क्यूरी साली बहन की टक्की, लोग मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं और तेरे को उसके साथ सोने का मौका मिला तो अड़ीबाजी करती है। ऐसी बात है तो तुम्हारी माँ बहनों को लाकर सुला दो, उसके साथ तुम्हारी भी इज्जत बढ़े। क्या इसको? तेरे साथ के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने इसे अर्थी पे सुला दिया। देख, यही कमी है तुम्हारे अंदर, तुम फैसला बहुत जल्दी करते हो। ये बात अगर किसी को पता चली तो मिनिस्ट्री गई मेरे हाथ से। अरे तू चिंता बिल्कुल मत कर, ये राज राज ही रहेगा, जा आराम से जाके सो जा, दूसरी लौंडिया मिलते ही टेलीफोन कर दूंगा। देखिए आज के पेपरों में क्या लिखा है कि पुलिस इज डेड, पुलिस मर चुकी है, हर तरफ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, किडनैपिंग खुलेआम हो रहे हैं, ना कोई लॉ है ना ऑर्डर। हमारे लिए ये शर्म और डूब मरने की बात है कि जनता का विश्वास हम पर से उठ गया। लोग अपनी तकलीफें गुंडों के पास जाकर रोते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। सर हम जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोशिश नहीं की जा रही है कमिश्नर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि पुलिस अपनी ड्यूटी भूलकर गुंडों की सरपरस्ती करने लगी है, नेताओं की चमचागिरी करने लगी है, हमारा जमीन मर चुका है। और अब ये तभी जिंदा होगा जब कोई फरिश्ता पुलिस की वर्दी पहनकर यहां आए। Come on!
यार रॉकी, आज का दिन तो बेकार ही गया। सवेरे से ना तो इस कैमरा ने किसी की तस्वीर खींची और ना ही कोई ढंग की खबर मिली अखबार में छापने। मिल गया, चल रॉकी। आप कौन है? मेरा नाम गीता है, जर्नलिस्ट का काम करती हूँ। कहीं भी कोई स्मगलिंग होती हो या गुंडागर्दी होती हो या बलात्कार होता हो, यानी कोई भी जुर्म या गैर कानूनी काम होता है, मैं वहाँ मौजूद होती हूँ। अच्छा अच्छा, आप पुलिस वाले डंडे से काम लेते हैं और मैं अपने कैमरे से। आप पिस्तौल से बदमाशों को डराते हैं और मैं अपने कलम से उनके छक्के छुड़ा देती हूँ। ए रॉकी, बहुत नाटक हो गया, चलो उठ। क्या, जब तक साहब थैंक्स नहीं बोलेंगे तू नहीं उठेगा? अरे बोलेंगे बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? तेरी इस बहादुरी पर साहब रिपब्लिक डे पर मेडल भी दिलवाएंगे। क्यों साहब, दिलवाएंगे ना? हाँ, अरे अरे अरे, साहब ने भी हाँ कर दी, चल उठ जा। ये देखिए, ये भी पब्लिसिटी का भूखा है। ये मेरा साथी है, बॉडीगार्ड है, बहुत बहादुर है साहब। पर ना एक अकेली लड़की ऐसी अंधेरी रात में सुनसान जगह में फोटो लेने जा सकती है? अरे रॉकी, बहुत टाइम हो गया, चल चल। बाय साहब, बाय, गुड नाइट। वाओ, क्या चीज है एसीपी अर्जुन। रॉकी, अगर ये हमारे साथ टीम बना लेना तो ये एसीपी से कमिश्नर बन जाएगा और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट। अरे तो तू नाराज क्यों होता है? मैं तुझे छोड़ के उसके साथ भाग थोड़ी रही हूँ। और फिर अगर मैं तरक्की करूंगी तो तू भी तो तरक्की करेगा, है ना? ए, चलो इसे प्रेस में दे आते हैं। दादी दादी, क्या ये है? देखो, अखबार में चाचू का फोटो छपा है। अच्छा है ना दादी? ए डॉली, जरा मुझे भी दिखाना। हाँ लाई। चाचू एकदम हीमैन लग रहे हो। एसीपी अर्जुन हियर। मिस्टर अर्जुन, आजकल तुम्हारे फोटो अखबारों में बहुत छपने लगे हैं। सिर्फ फोटो छपवाने से तुम कमिश्नर नहीं बन जाओगे। सर सर, ये फोटो मैंने नहीं छपवाया। तो क्या, पेपर वालों ने ऐसे ही छाप दिया? 20 साल के मेरे कैरियर में कभी किसी पेपर वाले ने मेरा फोटो तो नहीं छापा। सर सर, मैं ये तरक्की करने के लिए फोटो छपवाना और अखबारों की हेडलाइन बनना जरूरी नहीं है, समझ गए? ये सब उस जर्नलिस्ट की वजह से हुआ है। इस बार मैंने चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करके राज्यसभा की टिकट दुबे को दिलवाई। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हकदार तो मैं हूँ, दुबे नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस पार्टी को। ओहो, भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है ना, तुमने सिर्फ 20 साल दिए हैं, इसने 20 लाख दिए हैं। तो क्या रुपयों के लिए आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवाई जो भ्रष्ट है, बेईमान है, दारू और मटके के अड्डे चलाता है? तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? तू भी तो जनता का प्रतिनिधि बना, उससे पहले भड़वागिरी करता था ना। चरणदास, चिल्लाने का नहीं,
ईमानदारी दिखाना है तो राजनीति में नहीं आने का। यहाँ पर सिर्फ बेईमान और विश्वासघाती लोग ऊपर आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, चेतावनी। अगर मुझे टिकट न मिला तो मैं तुम्हारे चरित्र के रुमाल को अगर सड़क के बीच न धोया तो मेरा नाम गजानन नहीं। वाओ, क्या लगता है यार, जी करता है नागिन की तरह इसके चंदन जैसे बदन से लिपट जाऊं। चुप चुप, जब भी मैं उसकी तरफ देखती हूँ तेरा खून जलने लगता है। देखो मेरे यार, मेरे दोस्त, अगर हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो वो हमारी टीम में शामिल कैसे होगा, है? है ना? Hi, how are you? नाराज हो? देखो मैं कभी कभी कुछ ज्यादा जरूर बोलती हूँ लेकिन गलत नहीं बोलती। आप मुझे अच्छे लगते हैं इसीलिए शरारत करने को जी करता है। शरारत करने को जी करता है या पेपर में फोटो छपने को जी करता है? ये तो शुक्र है कि मैंने पेपर में छापा, वरना आप जैसे हैंडसम और जांबाज की फोटो आंखों में बसाने के लिए होती है।
कैसे हो गया? अरे तुम लोग इधर आओ, हाँ जल्दी। ये सर, ये तो गजानन साहब हैं, हमारे एरिया के समाज सेवक। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं साहब, हम लोग भी अभी अभी देख रहे हैं। कौन हो तुम? एसीपी अर्जुन, बता गजानन का खून किसने किया? कौन गजानन? कौन गजानन? मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस दिन गजानन ने चरण दास जी को धमकी दी थी, उसके बाद चरण दास जी ने मुझसे कहा कि गजानन को उठा कर ले आओ। मैं उसे मार पीट कर चरण दास के पास ले गया। जान! क्या बोला था तू पार्टी मेंबर्स के सामने? मेरे चरित्र की चड्डी तू रोड पे धोएगा? बोल, कौन सी पार्टी बना रहा है तू मेरे विरोध में? बोल। मैं पार्टी तेरा विरोध करने के लिए नहीं, तुझे कुर्सी से गिराने, तेरा नामो निशान मिटाने के लिए बनाऊंगा चरण दास। उसके बाद मैंने गजानन को ले जाकर समंदर के किनारे फेंक दिया। जो कुछ भी तूने मुझे बताया है कागज पर लिख दे। जी। चल। सर, एसीपी अर्जुन ने मिश्रा को पकड़ लिया। क्या? हाँ सर, इस वक्त वो गजानन के खून के बारे में उससे पूछताछ कर रहा है। क्या मेरी कुंडली बनवा रहे हो? बकरे के गले में लटकने वाली छातियां कभी किसी के काम की नहीं होती, इसका बयान लेकर क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? एक मंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत है तुम में? हिम्मत है तभी तो ये खाकी वर्दी पहनी है सर। ये तुम्हारी खाकी है ना, एक दिन खाक में मिल जाएगी। गवर्नमेंट हम है, जनता ने वोट देकर कुर्सी पर हमको बिठाया है। जनता ने कुर्सी दे दी इसका मतलब आप खून करेंगे, गुनाह करेंगे, जुर्म करेंगे। नहीं सर, कानून सबके लिए बराबर है। होगा, हमें तो हमारे जुर्मों के लिए जनता 5 साल में एक बार सजा देगी। ये तुम और तुम्हारा कानून नहीं। इसका मतलब आप कायदे कानून से नहीं डरेंगे? अरे काहे का कानून, जिस तरह तुम इसे मार पीट कर बयान लिखवा रहे हो, वैसे ही मैं किसी आईजी और कमिश्नर से जबरदस्ती बयान लिखवा लूं तो क्या तुम उसे गिरफ्तार करोगे? बयान लिखवा बड़ा आया कानून वाला। हट! नमस्ते साहब। आइए आइए कमिश्नर साहब, देखिए देखिए आपका कानूनी रंगरूट, जिसको खादी और खाकी के पावर में फर्क नहीं मालूम। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। मिस्टर अर्जुन, व्हाट हैपेंड? सर, कल समुंदर किनारे जो लाश मिली थी उसका हत्यारा कोई और नहीं, ये मंत्री महोदय हैं। कोई सबूत? ये सर, ये रहा सबूत सर। मिस्टर अर्जुन, किसी को जबरदस्ती मार पीट कर बयान लेना कानून की नजर में सबूत नहीं होता। सर, ये आपने क्या किया? ये ऐसा करते हैं इसलिए तो इस पोजीशन पे है। अपनी अकड़ थोड़ी कम करो, जनता ने मुझे 5 साल के लिए कुर्सी दी है। आपको सिर्फ 5 साल के लिए कुर्सी मिली है मिनिस्टर साहब, लेकिन मुझे 58 साल की उम्र तक इस कुर्सी पर रहना है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, 58 साल तो क्या तुम यहाँ पर 58 मिनट भी नहीं रह सकते। याद रखना, नौकरी चले जाने के बाद तुम्हारी हालत। सर आप जाइए, इसको मैं समझता हूँ। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। आज की ताजा खबर, पुलिस चोर मिनिस्टर खूनी, आज की ताजा खबर। तुम अपने आप को समझते क्या हो, एक एसीपी या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट? मिस्टर अर्जुन, मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि पेपरों की हेडलाइंस मत बनो, लेकिन तुम नहीं माने। जब देखो तुम डिपार्टमेंट को नंगा करते रहते हो। सर, आज पेपर में जो कुछ भी लिखा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी छपा है वो गलत नहीं है। कल आपने मिश्रा का बयान फाड़कर चरणदास को बचा लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चरणदास खूनी नहीं है। वो खूनी है सर, और मैं जो कुछ भी कर रहा था
अपनी ड्यूटी के हाथ में। ड्यूटी क्या है ये तुम मुझे समझाओगे? बिना सबूत के एक मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का अंजाम जानते हो? पूरे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ जाएंगी, माफीनामा लिखते लिखते उंगलियां घिस जाएंगी, मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने वाला ये डिपार्टमेंट सलाखों के पीछे आ जाएगा। इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट में रहना है तो अंधा और गुंगा बनकर रहना होगा। यस, और यही सोचकर डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि तुम्हारे जैसे देखने और बोलने वाले ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए। लो ये रहा ऑर्डर। सर, मुझे सस्पेंड करने का फैसला डिपार्टमेंट का नहीं, आपका अपना है, क्योंकि यह वर्दी आपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं चरणदास के लिए पहनी है। अर्जुन, आपके जबड़े पर उस राल की नमी अभी तक मौजूद है जो चरणदास के तलवे चाटते वक्त आपके मुंह से निकलती है। शट अप! जानते हो तुम अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात कर रहे हो? तुम सुपीरियर ऑफिसर थे, अब नहीं हो। अब मैं इस आजाद देश का एक आजाद नागरिक हूं और तुम जैसे अफसरों से जैसे चाहूं बात कर सकता हूं। तुम्हारा क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक तुम जैसे कानून के दलाल इस कुर्सी पर हैं, इस देश का भला नहीं हो सकता। हाँ नमस्ते चरणदास जी, क्या हाल है? हेलो केसरिया, वो गीता जर्नलिस्ट को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ गीता को। उसने आजकल बहुत तंग करना शुरू कर दिया है, लगता है मिनिस्ट्री हाथ से चली जाएगी। उसको तुम खुद अपने हाथों से खत्म कर दो। अरे छोटी सी चुंटी के लिए अपुन क्या, अपुन के बच्चे लोग काफी है। घबराने की कोई बात नहीं, दरअसल इसके दिमाग में डर बैठ गया है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बस एक दो दिनों में ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर।
माँ जी, इन थोड़े दिनों में जो प्यार, जो ममता आप लोगों ने इस अनाथ को दी है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कहाँ जाएगी बेटी? तूने मुझे माँ कहा है और बेटी माँ को छोड़कर जाएगी? तू यही रहेगी, इसे तू अपना ही घर समझ। हाँ दीदी, तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हारा बड़ी जर्नलिस्ट बनने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। चाचू के साथ टीम बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और अब तो चाचू को भी तुम अच्छे लगने लगी हो। क्यों रॉकी? देखो ये भी बोल रहा है रुकने को। चाचू चाचू, दीदी जा रही है, इन्हें रोक लो। हाँ बेटा, तू ही बोलना। जब सब कह रहे हैं तो रुक क्यों नहीं जाती? तो रुक क्यों नहीं जाती? तो रुक क्यों नहीं जाती? Thank you.
साथिया चाचू, कहीं किसी की नजर ना लगे। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरी नजर ना लग जाए। क्या कहा? हाँ, अगर तेरी नजर ना लगती आज मेरी शादी पक्की थोड़ी होती। तू एक काम कर, तू जल्दी से जाकर तेरी होने वाली चाची को तैयार करके नीचे भेज, मैं तब तक मेहमानों का ख्याल रखता हूँ। चल अभी लेकर आई। अरे सुनो, जल्दी से गाड़ी लेके जाओ और गेस्ट हाउस में मेहमानों को लाओ। जाओ। नमस्ते जी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब इंतजाम ठीक से तो है? जी हाँ, सब ठीक है। लेकिन हमारे दूल्हे राजा कहाँ है? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। मैं भी आई। हाँ, आप तकलीफ करके यहाँ आए हैं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे तुम आखिर शादी के लिए तैयार हो ही गए। बट व्हाट अ लवली चॉइस मेड फॉर ईच अदर। चाचू, चाचू, चाची घर पर नहीं है क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। चरणदास, गीता कहाँ है? गीता? गीता मेरी बीवी के पास है। नहीं, मेरा मतलब है मेरी बीवी गीता रामायण पढ़ती है ना, मेरे पास तो चिकन और दारू है, चाहिए? रामजादे, मैं भगवत गीता की नहीं, उस गीता जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसे मानने के लिए तूने दिन दहाड़े गुंडे भेजे थे। कहाँ छुपा रखा है उसे, बोल। अरे भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता, पागल तो नहीं हो गए वर्दी जाने के बाद जो मुझसे गीता फीता के बारे में पूछ रहा है? हमने मालिक को मार दो। अरे काहे मार दो भाई, अरे हटो। अरे अर्जुन छोड़ो मुझे, छोड़ तरह का कुत्ती जोगो। एक मंत्री पर हाथ उठाते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? सर, इसने गीता जर्नलिस्ट को किडनैप किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास, बोलो? काहे का सबूत? किसी का खून करने की सजा सिर्फ 14 साल होती है, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने के जुर्म में तुझे 114 साल तक जेल में नहीं सड़ा तो मेरा नाम चरणदास नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। बड़े अकल के गधे हो तुम, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, उसको गोली क्यों नहीं मारी तुमने? उसको खत्म करने के लिए तो चाल चला था मैं। ओ, सर, मैं इतने लोगों के सामने अगर गोली चलाता तो फांसी के फंदे पर चढ़ जाता। ओ गॉड, भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन के बारे में कुछ मालूम पड़ा? तुमने अखबार वालों को खत लिखा था ना कि पुलिस वाले तुम्हारी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर अभी यहाँ क्या लेने आए? उन्हीं के पास जाओ ना, उनको कहो ना ढूंढ के निकाले। हाँ हाँ, जाता हूँ। एक अखबार वाले ही तो है जिनसे आप लोग कांपते हैं। क्या पकता है? प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। क्या रे, आजकल लोग अपनी बीवी के खोने पर इतना परेशान नहीं होते जितना तू अपनी बहन के खोने पर परेशान हो रहा है। जो कुछ हुआ उसे भूल जा, भूल जा, भूल जा। ए, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? और अपन वर्दी के बगैर पुलिस वाला है, मतलब पुलिस जैसा है। जितना पावर इस पुलिस स्टेशन में इसको है ना, उतना ही पावर अपन को है। क्यों भाई? आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, देख तू एक काम कर, अपनी कंप्लेन वापस ले ले, वरना इस पुलिस स्टेशन से तू नहीं तेरी लाश जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम सबको इकट्ठा करके मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा। तेरी जात का भेदा मारो। भेदा? इसकी बीवी बाहर इसका इंतजार कर रही है। दादा, क्या करूं इसका, दीवार में चुनवा दूं? उल्लू के पट्टे, कभी तुम्हारे फायदा का सोच? हम दीवारों में उन्हें चुनवाते हैं जिन्हें अपने हाथों से मारा हो। ये साला तो जिंदा है, अपने फायदे की चीज है।
इसे एम्बुलेंस में डालकर वहां पहुंचा दो। उसे जो इसका लेना होगा वो ले लेगा, मुझे जो देना होगा वो दे देगा। चल पास कर इसे, चल भाग। चाचू, चाचू। अरे पगली, रो क्यों रही है? हाँ, रो मत। ये सब क्या हो गया बेटे? किसी की बदुआ लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, गीता का कुछ पता चला? उसे भूल जा बेटे, हम उसे कुछ और समझते थे, लेकिन वो कुछ और निकली। क्यों, क्या हुआ? ये देख, उसकी चिट्ठी आई है। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हें ये खत पढ़कर दुख होगा, लेकिन ये पल भर का दुख सारी जिंदगी की गलतफहमी खत्म कर देगा। ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे जैसे जांबाज एसीपी से दोस्ती करके मैं एक नामी जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, लेकिन अब तुम सस्पेंड हो चुके हो। अब तुम ना दोस्ती के काबिल रहे ना प्यार के, फिर तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया कि तुमसे दूर चली जाऊं। दरअसल मैं जिंदगी का मजा लूटना चाहती हूँ, नाम पैसा और शोहरत कमाना चाहती हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हारे बच्चे पैदा करना नहीं, मुझे माफ करना और अपना घर बसा लेना। मुझे ये मंत्री पद संभाले हुए आज एक साल पूरा हुआ है और इस खुशी में ये बर्थडे पार्टी दी गई है। और ऐसी पार्टियां पूरे राज्य में मनाई जाएगी, क्योंकि मुझे कुर्सी पर सिर्फ 5 साल नहीं 50 साल रहना है। तालियां। थैंक यू, थैंक यू। तो पियो और जियो। Okay.
जो गया बस वो काम से। इतनी गहरी है इनकी निगाह, हाथ में गहरी है इनकी निगाह, जिनमें दरिया में खुद डूब जाए, बचाए हुस्न वालों से, हुस्न वालों से ये दिल बचाए, कोई बेमौत मारा न जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। गवर्नर साहब की तरफ से लिफाफा आया है। गवर्नर साहब की तरफ से? सर। तो जरूर उन्होंने मुझे मुबारकबाद भेजी होगी। पढ़ो। यस सर। अरे भैया, आज के जमाने में किसी सरकार के लिए एक साल पूरा करना कोई मजाक है क्या? पढ़ो पढ़ो, हमारे लिए क्या क्या शुभकामनाएं भेजी है, पढ़ो। माननीय मंत्री महोदय, जब से ये सरकार पावर में आई है, गुंडागर्दी, लड़कियों का अपहरण, बेकसूर पर अत्याचार, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी। इसलिए राज्य और जनता की सलामती को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाता है और राज्य में गवर्नर शासन लागू किया जाता है। मिलॉर्ड, आज एक साल से मैं ये मंगलसूत्र पहने हुए सुहागन और विधवा की दुविधा में जी रही हूँ। मैं अदालत से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति जिन्हें गायब कर दिया गया है वो कहाँ है। देखिए मोहतरमा, अदालत आपके जज्बात को समझती है, लेकिन अगर आपके पति लापता हैं, तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, न कि अदालत में। मिलॉर्ड, अगर वो कहीं और से गायब हुए होते तो मैं पुलिस स्टेशन जाती, लेकिन जिन्हें पुलिस स्टेशन से ही गायब किया गया हो उनकी शिकायत मैं यहाँ न करूँ तो कहाँ करूँ। मिलॉर्ड, अगर ये अदालत मोहतरमा की बात मान ले तो मामला पुलिस स्टेशन तक ही खत्म नहीं हो जाता, उसके ऊपर कमिश्नर आईजी भी। तो इसका मतलब है कि ऊपर वालों का भी चलन ठीक नहीं होगा। सूखे पत्ते उन्हीं पेड़ों के होते हैं जिनकी जड़ें खराब हो गई हो। देखिए मोहतरमा, आप अपने पति के गायब हो जाने के गम में आवेश में बातें कर रही हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस की हर गलती के लिए आप हुकूमत को इस तरह दोष नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? जब पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो सरकार उन्हें मेडल देती है, प्रमोशन देती है, तारीफें करती है। तो पुलिस की गलतियों और ज्यादतियों का जिम्मा सरकार नहीं लेगी तो और कौन लेगा? अपनी सिद्धियों की डींगे मारने वाली सरकार अपनी कमियों पर नजर क्यों नहीं डालती? मिलॉर्ड, इंसाफ की देवी की आंखों पर ये काली पट्टी अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाने के लिए बांधी गई है, ना कि गरीबों को नजरअंदाज करने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मिलॉर्ड, बस मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। मैं बेसहारा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मेरा पति मुझे लौटा दीजिए, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। देर से मिला हुआ इंसाफ न मिले हुए इंसाफ के बराबर होता है। इस दुखियारी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके लिए ये अदालत सरकार और पुलिस की सख्त आलोचना करते हुए ये हुक्म देती है कि 6 हफ्ते के अंदर इसके पति को अदालत के सामने पेश। प्लीज सिट डाउन। जेंटलमैन, यह हमारे लिए बेहद अफसोस की बात है कि अदालत ने हमें ऐसा ऑर्डर दिया। कई लापता लोगों का अभी तक पता क्यों नहीं चला? गवर्नर साहब बहुत परेशान है। क्या पुलिस इतनी बेकार और नाकारा हो चुकी है? इस डिपार्टमेंट में कोई भी ईमानदार और बहादुर ऑफिसर नहीं है। माफ कीजिए सर, हमारे पास ईमानदार और बहादुर ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई काम ईमानदारी से करते तो हम पर पॉलिटिकल दबाव डाला जाता है, अच्छे ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर हमारा ही कोई ऑफिसर किसी नेता से हाथ मिलाकर उस ऑफिसर को सस्पेंड करा देता। हम आजादी से काम कर ही नहीं सकते, हम मजबूर हैं सर। आप कौन सी मजबूरी है? कौन से पॉलिटिकल लीडर का दबाव है आप लोगों पर? आप तो राज्य में गवर्नर शासन लागू है, आप बेफिक्र होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। क्या आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर कोमल के पति को ढूंढ निकाल सकते हैं? यस सर। इस काम के लिए मुझे अपनी जान की परवाह ना करने वाला वो जाबाज और ईमानदार ऑफिसर चाहिए जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। कौन है वो? ACP अर्जुन वर्मा। क्या हुआ उसे? पिछली सरकार के राजनीतिक हथकंडों का शिकार। उसे रिहा करने की इजाजत दीजिए सर। ठीक है, वो रिहा कर दिया जाएगा। मैं आई कम इन सर। वेलकम अर्जुन, वेलकम। लेकिन ये क्या, तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? सर, मैं वर्दी पहनने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को क्यों कहा गया है? तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर की हमेशा जरूरत पड़ती है। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने ईमानदारी दिखाई इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरा जेल जाना मेरी ईमानदारी ही थी। अगर मैं बेईमान होता तो शायद जेल नहीं जाता। सर, अगर फैक्ट्री का कोई ईमानदार या मेहनती मजदूर को बेवजह निकाला जाता है तो दूसरे मजदूर उसके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में अगर किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है तो दूसरे स्टूडेंट उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आवाज ही नहीं उठाता। सर, हमारा डिपार्टमेंट गधे की तरह है। आगे जाओ तो काटता है, पीछे जाओ तो लात मारता है। यहां ईमानदारी की बात होती है सर, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। मैं तुम्हारी बात मानता हूं अर्जुन, कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर इस बात को नहीं समझेंगे तो पुलिस शब्द के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। अर्जुन, इस वक्त जो हमारे पास केस आया है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चुनौती ही नहीं बल्कि इज्जत का सवाल भी है, और इस केस को सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। डिपार्टमेंट के गिरते हुए इमेज को बचाने के लिए तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। टीस्टोन से नो। ओके सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस केस में मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए, किसी तरह का दबाव या दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ओके, गो अहेड। ए, क्या रे, मरने का इरादा है क्या? अरे माफ करने बा, अरे अर्जुन तुम? हरीश तू? क्या भाई, इतनी तेजी से साइकिल चला रहा है, अंधा हो गया क्या? हाँ अंधा हो गया हूँ, मेरी शिल्पा के चक्कर में पूरा अंधा हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो कॉलेज का चक्कर अभी तक छोड़ा नहीं? अरे टाइम हो गया, शिल्पा निकल जाएगी, मैं फिर मिलूंगा, बाय, सी यू। We'll be right back.
सौ बरस भी है कम। अरे कितनी बार मना किया तुझे कि मेरी बेटी के साथ मत घुमा कर, फिर भी तू नहीं मानता। अंकल हम दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? हाँ। इधर चल, हिलना नहीं यहाँ से। अरे तुझ जैसे भिखारी के साथ शादी करूं? इसे पाल पोस कर बड़ा करने में मेरा कितना खर्चा हुआ मालूम है? 2 लाख रुपए। पहले 2 लाख रुपए रखो यहाँ, फिर शादी की बात करना, समझे? मतलब दहेज? अंकल आप जानते दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। दहेज नहीं, मैं इसे छोटे से बड़ा करने का सर्विस चार्ज मांग रहा हूँ। क्या? जब तक 2 लाख रुपए लाकर नहीं दोगे इसकी तरफ देखना भी नहीं, बात भी नहीं करना, वरना शूट कर दूंगा। खबरदार, चल। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, राजन के बारे में पूछताछ करने। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। राजन के बारे में पूछताछ करने। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही ना कि मेरे पति कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, किसने गायब किया? थक गई हूँ मैं बताते बताते, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप चले जाइए यहाँ से। बहू कैसी बातें कर रही हो? माँ जी मुझे नफरत हो गई है पुलिस वालों से। बहू ऐसा नहीं बोलते। बेटे मेरी बहू की बातों का बुरा मत मानना, ये राजन के गम में ऐसी बातें करे। मैं समझता हूँ माँ जी। देखिए बहन जी, मैं आपकी हर शिकायत को मानने के लिए तैयार हूं। इस केस को डिपार्टमेंट ने मुझे सौंपा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पति को मैं ढूंढ लाऊंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपके पति के साथ हुआ क्या था, प्लीज। उन्होंने अपने बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। एक दिन मैं भी उनके साथ गई थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए, जब काफी देर तक वो नहीं लौटे तो मैं अंदर गई। यस, कहिए क्या चाहिए आपको? मेरे पति। पति? कौन है आपके पति? अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाकर जो लगातार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं वही है मेरे पति। ओ, तो वो तुम्हारे पति हैं? वो थोड़ी देर पहले आए थे फिर वापस चले गए। वापस चले गए? नहीं, बताइए वो कहाँ है। ए, चुपचाप वापस चली जा, ज्यादा गड़बड़ की ना तो पुलिस वाली औकात दिखा दूंगा। कोई बुद्धू गवार आए तो उसे दिखा ले अपने पुलिस वाली औकात। मैं नहीं डरने वाली आपकी धमकियों से। मैं कब से पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही हूँ, वो बाहर आए नहीं। तुम बाहर बैठ के इंतजार कर रही थी या आने जाने वाले मर्दों के साथ आंखें लड़ा रही थी? इंस्पेक्टर अपनी जबान को लगाम दीजिए। चुपचाप शराफत से बाहर चली जा वरना वेश्यागिरी का झूठा इल्जाम थोप कर अंदर कर दूंगा, समझी? और इस तरह मैं बेइज्जत होकर पुलिस स्टेशन से लौट आई। क्या आप मुझे उस पुलिस स्टेशन का नाम बता सकती हैं? काला चौकी। साला कौन आ गया कबाब में हड्डी? अरे सुनो। जी कहिए। जब तक मैं आवाज नहीं दूं बाहर मत आना। अच्छा। हाँ। साला आइए बैठिए सर। अरे तुम ही बैठो। नहीं सर नहीं।
ये बाथरूम में कौन है? बाथरूम में? बाथरूम में कोई नहीं है सर। कोई अच्छा नहीं अच्छा, तो ये कपड़े तुम्हारी बीवी के हैं? नहीं सर। फिर तो किसी रखेल या बाजारू लड़के के होंगे। जो काम पुलिस को मिटाना चाहिए वो काम पुलिस के हाथों हो रहा है। खैर ये तो मामूली बात है, तुमने तो इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं। जी भूल गए, आज से एक साल पहले राजन नाम का एक आदमी उसकी बहन के गायब होने की कंप्लेन लिखवाने आया था। उसकी बेचारी बहन तो नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। तुम्हें तो पता होगा ना वो कहां गया? नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं उसका। इस वक्त तुम नशे में हो, कल याद करके बता दे। हेलो, हाँ सर मैं मदनलाल बोल रहा हूँ। एसीपी अर्जुन यहाँ आया था और राजन के बारे में पूछ रहा था। नहीं सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन सर आप उसे जल्दी ठिकाने लगा दीजिए, वरना वो आपके लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी। मिस्टर मदनलाल, पुलिस की वर्दी में भड़वों का काम करना गंदा लगता है। राजन कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम सर। मैं पूछता हूँ राजन कहाँ है? सर मैंने कहा ना मुझे कुछ पता नहीं। नहीं पता ना? नहीं। पता नहीं कैसे ही मर जाएगा। बता राजन कहाँ है? बताता हूँ, मेरे पुलिस स्टेशन से ऑटो केसरिया उसे ले गया था। वो उसे कहाँ ले गया था सर मुझे नहीं पता। केसरिया को मिनिस्टर चरण दास का सपोर्ट था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका और मैंने फाइल बंद कर दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। क्या चाहिए? ऑटो के सरिया कहाँ है? तू गलत जगह आ गया है, चुपचाप फूट यहां से। अरे छोड़ दो सर, मैं कहता हूँ सर। गधे के बच्चे उल्लू के पट्टे, मालूम नहीं तू किसका हाथ उठा रहा है। गलत मत समझना सर, ये सब लोग आपको जानते नहीं हैं, ये गधे सब नए हैं। मतलब तुम्हारे पुराने आदमियों को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? क्या बॉस क्या बात कर रहे हैं आप, इस राज्य में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता। अच्छा अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ मदन लाल का क्या संबंध है? मदन लाल? कौन मदन लाल? इंस्पेक्टर मदन लाल, भूल गए उसे? कल भी फोन पर तुमने उससे बात की थी। वो भयंकर टक्का मदी मदन लाल, वो एक मामूली हवलदार था। मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़कर मैंने उसे इंस्पेक्टर बना दिया। अब मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है कि और प्रमोशन करवा दो। अच्छा तो तुम मंत्रियों को भी जानते हो? बहुत अच्छी तरह। इसलिए तुमने और मदन लाल ने मिलकर पुलिस स्टेशन से राजन को गायब किया। बताओ वो कहाँ है? अच्छा तो आप उसके बारे में जानने के लिए आए हैं? जानने के लिए नहीं, सब कुछ जानने के बाद आया हूं यहां।
सच सच बता दे, नहीं तो क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा, अंदर करवा देगा। अरे मैं जानता था जब तूने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की कि तू मेरे लिए मुसीबत बनकर खड़ा होगा, इसलिए मैंने जमानत के कागज निकाल कर अपनी पिछली वाली पॉकेट में रखे हैं। ये देख, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम बहुत अकलमंद हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं बल्कि यह बताने आया हूं कि मैं तुम्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा। रॉकी, कम। कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन स्पीकिंग। ये दीवार तोड़ो। कुएं के पास खोदो। जी। करो। और खोदो। सर, ये बताइए कुल कितने आदमियों का खून किया गया? काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के बाद आप लोगों को पक्का बता पाएंगे कितने आदमियों का खून हुआ है। सर, इन हत्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अमानुषी अत्याचार है, अभी सिर्फ यही कह पाऊंगा। सर, केसरिया को गिरफ्तार कर लिया आपने? केसरिया तो भाग गया, लेकिन उसके साथी गिरफ्तार हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन के साथ बता सकता हूं कि बहुत जल्द केसरिया भी गिरफ्तार हो जाएगा। सर, इन तमाम स्केलेटन्स की जांच कर ली गई है और यह है लैब की रिपोर्ट। यू वेलकम। इंस्पेक्टर भवानी। यस सर। 2 साल के अंदर अंदर कौन कौन गुम हुए हैं या लापता हैं, उनका पता लगाइए। राज्य के सारे पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। सारे डिटेल्स इकट्ठा करके 2 दिन के अंदर मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। ओके ओके सर। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। तूने मेरे बेटे को उठा लिया। क्या बात है माजी? जालिमों ने मेरे बेटे को मार डाला। माजी, माजी, धीरे से रखिए माजी। पुलिस वालों को तो सिर्फ हड्डियां मिली है और हड्डियों से चेहरे की पहचान नहीं हो सकती माजी। तो फिर आप कैसे कह सकती है कि वो नहीं? नहीं माजी, उनको कुछ नहीं होगा।
वो हमें इस तरह बेसहारा करके नहीं जा सकती माँ जी। मेरा मन कहता है कि वो एक दिन जरूर आएंगे माँ जी। काश ऐसा होता बेटी। मिल गए 2 लाख रुपये मिल गए। या शिल्पा 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 जल्दी आओ। हरीश तुम कहाँ है तुम्हारे पापा? बुलाओ उनको, मैं 2 लाख रुपये लेके आया हूँ। शाबाश शाबाश। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात, लाओ दो मुझे। ये लीजिए। ये क्या है? ये ऑटो केसरिया है, खतरनाक गुंडा। इसे पकड़ने पर सरकार ने 2 लाख रुपये का इनाम रखा है। मैं इसे पकड़ कर 2 लाख रुपये आपके मुंह कदमों में रख दूंगा। अबे चिलगोजे, जिसे देश की पुलिस नहीं पकड़ सकी उसे तू पकड़ेगा? जब तक 2 लाख रुपया हार्ड कैश नकद मेरे हाथ में नहीं रखेगा, इस घर की तरफ मत देखना। आज दूसरी बार तुझे छोड़ रहा हूँ, मगर याद रख फौजी तीसरी गलती कभी माफ नहीं करता। आउट शिल्पा, तू ऊपर जा, ऊपर जा। आवाज सुनते ही दशहरे के हाथी की तरह चली आती है, ऊपर चल। लगता है पंजाब से आई है। ओ कुड़िये तुहानू किथे जाना है? थोड़े पियो दे पिंड। ओए ये ऑटो वाली नहीं 5-स्टार होटल वाली है। वाह क्या मस्त जवानी है। ए! अरे चलती है क्या? कहा? अरे किसी 5-स्टार होटल में साथ खाएंगे पिएंगे और सारी रात अपनी जवानी बिताएंगे। नहीं नहीं मुझे किसी ऑटो वाले का इंतजार है। ए! मगर दादा को आज तक किसी लड़की ने इनकार नहीं किया है, चल मेरे साथ। अबे सम्मेलन में देश के कोने कोने से आई हुई तमाम बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहनों आज तक जो अन्याय हमारे साथ होता रहा है इसके आगे हम होने नहीं देंगे। मैं पूछता हूं सरकार ने छोटे तबकों के लिए कई स्कीमें बनाई हैं, बैकवर्ड क्लासों के लिए रिजर्वेशन बनाए, ट्रैवल क्लासों के लिए लोन दिए, घर दिए, गाय दिए, पैसे दिए, यहां तक के बछड़े भी दिए हैं, पावर क्लासों को तरक्की दे रही है। मैं पूछती हूं सरकार ने हमें क्या दिया है, क्या किया है हमारे लिए, हमें किस क्लास में रखा है और क्या मदद कर रही है? जनता ये लोग हमारी बदनसीबी पर हंस रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। थैंक यू आपा। बहनों अब हम चुप नहीं रहेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे, अपनी मांगे पूरी करने के लिए आवाजें उठाएंगे और रक्त आने पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चमेली बहन जिंदाबाद, 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 चमेली बहन जिंदाबाद। चमेली बहन, चमेली बहन, आ
ये उल्टी सीधी आंखें, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये फीकी फीकी नजरें, ये मेहंदी वाले बाल, जो चाहे वो उठा ले, चोरी का है ये माल। अरे किरण बहन तारी कमर जो इन मारू मंडा उड़ाई गई रे, जादू तेरी कमर, अरे चल रहा फटे लौट के गड्ढे, खुशबू तेरा बदन, अरे कमर में हटे, जादू खुशबू तेरा बदन, तू यस कर अच्छे दुकान लगा या नो कर, दूंगी रखे तू यस कर या नो कर, मैं हूँ तेरा सजन, मैं हूँ तेरा सजन, जब भी कोई लड़का देखे मुझको ये गाना बोले ओले ओले बड़े है सख्त सख्त, दो चीज बड़े है सख्त, दो चीज बड़ी है सख्त सख्त, दो चीज बड़ी है सख्त, ये मोटे मोटे गाल गाल, ये छोटे छोटे बाल बाल, लड़की है या फुटबॉल यार, ये हाल तेरा हर वक्त वक्त, दो चीज बड़ी है सख्त सख्त, दो चीज बड़ी है सख्त, दो चीज बड़ी है सख्त सख्त, छत्तीस चौबीस छत्तीस मुझे लोग बोले, देखो 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 मेरा पेट खोले, छत्तीस चौबीस छत्तीस मुझे लोग बोले, देखो 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 मेरा पेट खोले, मेरे दीवाने है मेरे परवाने है, लेके तराज मेरा रूप डोले, छत्तीस चौबीस छत्तीस चौबीस छत्तीस चौबीस छत्तीस चौबीस, पद्मा हाय सलमा हाय, पद्मा हाय हाय हाय, मेरा सदमा बढ़ता जाए सलमा हाय हाय हाय, मेरी नीयत बिगड़ी जाए बिमला है कमला हाय 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 हाय, नीयत बिगड़ी जाए पता नोट करवा ले, इससे टाका मेरा बिड़ा दे, ऐसा चक्कर कोई चला दे ताकि अपना कहा न टाले, पद्मा हाय हाय हाय, मेरा सदमा बढ़ता जाए सलमा हाय हाय हाय, मेरी नीयत बिगड़ी जाए विमला हाय कमला हाय 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 हाय, नीयत बिगड़ी जाए पुलिस पुलिस पुलिस, इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर में बात करता हूँ। अरे अर्जुन तुम, अर्जुन मुझे बचा लो, एक गुंडा मुझे लड़की समझकर मेरे पीछे ही पड़ गया। चक्कर क्या है, किसी ड्रामे में लड़की का रोल कर रहा है क्या? अरे यार ये सब अपनी माशुका के लिए कर रहा हूँ। क्या मतलब? उस लड़की के बाप ने दहेज में 2 लाख रुपया उल्टा मुझसे मांगा है। मैंने पेपर में पढ़ा है कि लड़कियों को किडनैप कर लेके जाने वाला ऑटो केसरिया को पकड़ने पर 2 लाख रुपए का इनाम है, इसलिए मैं लड़की बनकर उसे पकड़ने गया और इस मुसीबत में फंस गया। अच्छा अच्छा, तो ये भी वही इश्क का चक्कर है जिसमें फराद ने शिरीन के लिए दूध की नहर निकाली थी और आप अपनी माशुका के लिए केसरिया को पकड़ रहे हो। गुड वेरी गुड, एक से भले दो, ऑल द बेस्ट। एसीपी अर्जुन या सर, मेरा नाम शांति है, जिस केस की आप तहकीकात कर रहे हैं उसमें मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? संजीवा गर्ल्स हॉस्टल से। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। ये
मैंने ही आपको फोन किया था। आइए। क्या बात है? सर, आज से 6 महीने पहले मैं नेशनल हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और वहाँ मेरी एक सहेली डॉक्टर कस्तूरी भी प्रैक्टिस करती थी। फिर? उस हॉस्पिटल में एक दिन एक लेडी पेशेंट डिलीवरी के लिए लाई गई जो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। माय गॉड, आपकी वाइफ का पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, 2 साल पहले जब उसे पहला बच्चा होने वाला था तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा था। किस हॉस्पिटल में? मद्रास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, आपकी वाइफ बहुत कमजोर है इसलिए पूछ रही थी। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, रेनू नाम की पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई है उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर। क्यों? क्या हुआ उसे? पहली डिलीवरी के वक्त उसे मद्रास के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जहाँ उसकी सिजेरियन डिलीवरी की गई और एक किडनी उसे बताए बगैर निकाल ली गई सर। ये आपका शक है? शक नहीं डॉक्टर, हकीकत है। मैंने उस पेशेंट का स्कैनिंग कराया तब मुझे मालूम हुआ उसकी एक ही किडनी है और वो भी काम नहीं कर रही है। ऐसे में अगर दोबारा ऑपरेशन किया गया तो वो पेशेंट मर जाएगी सर। देखो कस्तूरी, आप मुझे और उस पेशेंट के घर वालों को बेवजह उलझा रही हैं। लीव द मैटर, उसका ऑपरेशन कहाँ हुआ कैसे हुआ उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, वो दूसरा स्टेट है, यू नो। वो तो ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम इस केस को पुलिस तक पहुंचा दें। आवेश में मत आओ डॉक्टर कस्तूरी, मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते सलाह दे रहा हूँ, ये सब भूल जाओ और जो अपना काम है वो करते रहो, बस जाओ ऑपरेशन की तैयारी करो। देख लिया डॉक्टर की जिद और लापरवाही ने किस तरह एक मासूम की जान ले ली। जाने दो कस्तूरी, जो होना था हो गया, अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं। बात फायदे की नहीं है, इंसानियत की है। अगर किसी इंसान में दूसरे इंसान के लिए प्यार और हमदर्दी न हो तो उसे इस डॉक्टरी पेशे में नहीं आना चाहिए, बल्कि इससे अच्छा है कि वो कसाई की दुकान खोले और गोश्त के टुकड़े बेचे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ कस्तूरी, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं शांति, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मैं इस केस को सबके सामने ला कर ही रहूंगी। और उस घटना के 4 दिन बाद अचानक डॉक्टर कस्तूरी कहीं गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिली। तुम उस डॉक्टर का नाम बता सकती हो? नहीं, एक तो मैं वहाँ नई नई ज्वाइन हुई थी, दूसरे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों से मेरी कोई खास पहचान नहीं है। अच्छा, अब तुम उन गुंडों को पहचान सकती हो जिन्होंने हॉस्पिटल के बाहर तुम पर हमला किया था? पहचान तो सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। डर? किस बात का? सर, कहीं वो लोग मेरी भी वही हालत ना कर दें जो उन्होंने कस्तूरी की है। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। कल आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान तुम्हें उन गुंडों को पहचानना होगा। दांत दिखाओ। बोल, बोल हरामजादे, कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी कहाँ है ये मैं नहीं जानता, मैंने तो उसे अगवा करके ऑटो केसरिया को दे दिया था। ऑटो केसरिया ने उसे क्यों उठवाया था? बोल। वो मुझे नहीं मालूम सर, उस काम के लिए उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। इस वक्त ऑटो केसरिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? अरे सब ठीक हो जाएगा। लीजिए जूस पी लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं करा। मेरी भूख ही मिट गई है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। ले जाओ साला, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
वो सरकारी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना, वो कॉकटेल पार्टियों में मुफ्त की शराब पीना, वो इज्जत से रिश्वत लेना, सब खत्म हो गया। सोचा था मेरी मौत कुर्सी पे होगी, ये खटिए पे आ गई, सब खत्म हो गया। इसीलिए तो कहती थी ईमानदारी से कीजिए। चुप कर, गंगा कहेगी। चरणदास, चरणदास, अर्जुन आ गए, उसको बोल मैं चारधाम की यात्रा पे गया हूं। बोल दो उसको। आपको क्या चाहिए? चरणदास कहाँ है? जी वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। क्या? एसीपी साहब कुर्सी के जाते ही उन्होंने सारे बुरे काम और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब वो एक नेक इंसान बन गए हैं। दुनिया भर के गुनाह करने वाला एक शैतान रातों रात एक नेक इंसान बन गया। अच्छा तो ये है तेरी तीर्थ यात्रा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने को तो तीर्थ यात्रा कहता। बोल ऑटो केसरिया कहाँ है? ऑटो केसरिया? मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बता दे वरना उसका साथ देने के जुर्म में पुलिस तुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे क्यों मरे हुए को मारना चाहते हो साहब? एक कुर्सी चले के बाद में सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर फिर भी मुझे पता चल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है लेकिन किसी किस्म की चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। जी मालिक, इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े जाके केसरिया को ढूंढ, उसको बोल कि एसीपी को खत्म कर दे वरना ये साला हमको खत्म कर देगा। हाय हाय हाय। Excuse me, madam. कहिए, whiskey या brandy? मैं अपने boyfriend का इंतजार कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी। अच्छा मैडम। गुरु अब देखो मैं इसे कैसे पटाता हूँ। Hi miss. Hi. किसी की राह देख रही हो? Yes. अपने यार आटो केसरिया की। आटो केसरिया? हाँ जब से उसका कामदेव चेहरा देखा है मैं रति की तरह फुदकने लगी हूँ। उसका ख्याल दिमाग में आते ही मेरे बदन का पुर्जा पुर्जा टूटने लगता है। मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, मेरी सांसें महकने लगती है, मेरा यौवन चहकने लगता है, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, मेरे होंठ कांप उठते हैं। और क्या क्या होता है? तुम कौन होते हो मेरे अंदर की बात पूछने वाले? तेरा बाप डैड ऑटो केसरिया। ऑटो केसरिया मिल गया। पुलिस, दो लाख। साली पुलिस की जासूसी करने आई है, मुझे पकड़वाने आई है। जान कहाँ चली? मुझे शादी नहीं करना, मुझे तो लगनी चाहिए। वो क्या होता है? मुझे शादी नहीं करना।
अर्जुन। यस सर। ऑटो के जरिया, ऑटो के जरिया। क्या हुआ? ऑटो के जरिए मेरा हाथ से बच के निकल गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, उसने मुझ पे हमला। कहाँ है वो? डिंपल बार जू में। इंस्पेक्टर नायक। यस सर। शहर में नाकाबंदी कर दो, हर गाड़ी की तलाशी लो, केसरिया किसी भी हालत में शहर से बाहर जाने ना पाए। ऑटो केसरिया की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अगर उसे जिंदा गिरफ्तार किया होता तो यह केस आसानी से सुलझ जाता, लेकिन तुमने नाकाबंदी करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और केस पूरी तरह से उलझ गया। सर, ना ही ये केस उलझा है और ना ही ऑटो केसरिया अभी तक मरा है। What do you mean? उसकी लाश मिली है, कपड़े मिले हैं, पासपोर्ट मिला है और तुम कहते हो कि अभी तक वो मरा नहीं? सर, जो लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है वो इस तरह कुचली हुई है कि उसका पहचान में आना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, कोई आदमी जेब में पासपोर्ट रखकर खुदकुशी करने नहीं जाता। ये ऑटो केसरिया की एक चाल है जो हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। वो अभी तक जिंदा है और बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। भाई, साहब के लिए खाना लेकर आना, मैं भी आती हूं। नमस्ते साहब। नाम क्या है तेरा? कमला। कमला नाम अच्छा है और दिखने में भी बड़ी खूबसूरत है तू। भाई, खाना ठीक से लगा दिया है ना? सब रख दिया। हाँ गंगा, ये कौन है? ये नई नौकरानी है, बुधवार पेट से मेरी चाची ने भेजा है इसे। अच्छा, बुधवार पेट से आई है। जरा फोन लेना, मैं खाना खा लूं। फोन लेना। ये सो जाए ना, बाद में रात को मेरे कमरे में दूध लेकर आना। हाँ। क्या सेठ जी से बात करनी है? सुनिए, आपका फोन है। आया। चरणदास, तेरा बाप ऑटो केसरिया बोल रहा हूँ। क्या? तू जिंदा है? लेकिन बहुत जल्द मर जाऊंगा। सारे देश की पुलिस मेरे पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ी है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरी बात सुन तो। हेलो, क्या हुआ? वो ऑटो केसरिया यहाँ पे छुपने के लिए आ रहा है। तो उसे मना कर दो। कैसे मना करूँ, कैसे रोकूं? समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। एसीपी अर्जुन। अर्जुन, मैं हरीश बोल रहा हूँ। ऑटो केसरिया थोड़ी देर में चरणदास के घर आ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा होता मैं पुलिस को उसी वक्त ऑटो केसरिया के बारे में बता देता, थोड़ी बहुत सजा हो जाती, लेकिन ये लफड़ा तो नहीं होता। अब भी कौन सी देर हुई है, मेरी बात मानो, पुलिस को सब कुछ इसी वक्त बता दो। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। देवदास, क्या कर रहे हो वहाँ? दिखाई नहीं देता, टेलीफोन का वायर काट रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? क्यों काट रहा है? क्योंकि तेरा मर्द मेरे बॉस का भांडा फोड़ना चाहता है। तेरा बॉस? कौन है तेरा बॉस? तेरा मर्द जिसका नौकर है वही मेरा बॉस है।
गंगा, ए गंगा, जाके मैम साहब को बुला। मैम साहब अब नहीं आएगी। क्या? मैंने उसको ऊपर भेज दिया है। क्या बकवास कर रहा है तू? और अब मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगा। क्या हुआ बताइए। ऑटो केसरिया, oh!
इंस्पेक्टर, ये एक संगीन जुर्म से ताल्लुक रखता हुआ मुजरिम है, कई दूसरे मुजरिमों को पहचानने वाला विटनेस, इसे हर हाल में तुम्हें बचाना होगा। डोंट वरी एसीपी साहब, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाऊंगा। मिस्टर प्रभाकर, यस सर। ऑटो केसरिया के साथियों को अगर पता चल गया कि ये जिंदा है तो बोलो कि इसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए ना ही कोई इसे मिलेगा और ना ही किसी को इस बात का पता चलना चाहिए कि ऑटो केसरिया जिंदा है। ओके सर। सर, ऑटो केसरिया मरा नहीं, जिंदा है और जख्मी हालत में पुलिस द्वारा इलाज के लिए मेरे ही हॉस्पिटल में लाया गया है। इससे पहले कि वो पुलिस को हमारे बारे में कुछ भी बताए, उसे खत्म कर दो। ओके सर। यस डॉक्टर। सुनो, कल सुबह के ऑपरेशन की तैयारी करो, जाओ। ओके डॉक्टर। देख, केसरिया यहां है। क्या बोल रहा था? मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाऊंगा। यह है तेरी ड्यूटी? यस, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानता हूं। क्या है तेरी ड्यूटी? मरते को जिंदा करना या जिंदे को मार डालना? मिस्टर अर्जुन। ए हरामजादे, तनख्वाह सरकार की लेता है और वफादारी किसी और की करता है? कौन था वो? किससे फोन पर इसे मारने की बात कर रहा था? बोल। मिस्टर अर्जुन, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं इस हॉस्पिटल का चीफ हूं। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं हरामजादे। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दूंगा तो सर के बल नीचे गिरेगा साले। फोन बताता है या नीचे छोड़ दूं। फोन कौन है वो? डॉक्टर आमिर खुराना। डॉक्टर मेनन। सर, किसी को भी पता चलने ना पाए कि इसकी एक किडनी हमने निकाली है। लुक आफ्टर द पेशेंट वेरी वेल। यस सर। देखिए। यस सर। इन किडनीज के पेशेंट विदेश से आ चुके हैं, जल्दी से ट्रांसप्लांटेशन का बंदोबस्त करो। राइट सर। और अगले महीने हमें 30 किडनीज का एक बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर मिला है, आदमियों का इंतजाम करो बाय हुक और बाय क्रूक। राइट सर। सर, जिमी और रॉबर्ट आपसे मिलने 4 बजे टाइगर ब्रिज पर आ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मद्रास कल्चरल क्लब के इस सिल्वर जुबली फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट और भारत के मशहूर डॉक्टर श्री आमिर खुराना का हम स्वागत करते हैं। आज की इस खूबसूरत शाम को रंग और ताजगी बख्शने के लिए हमारे बीच शिरकत ले रही हैं पेरिस की मशहूर डांसर मिस सुजी। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज वो पहली बार हिंदुस्तान आकर हमारे इस क्लब को 4 चांद लगा रही हैं, और ये सब खुराना साहब की कोशिशों से ही हो सका है, क्योंकि मिस सुजी खुराना साहब की खास दोस्त हैं,
So please give a big hands to the great dancer, Miss Susie. We'll be right back.
एक्सक्यूज मी। ओके मुझे मारोगी, जो तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता है उसी के सीने में गोली मारोगी। मैं तुम्हें डरा रही थी। क्यों डर गए ना? डर और तुमसे, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसकी मैं पूजा करता हूं। देखो सूजी, मैंने जिंदगी में कभी किसी का इंतजार नहीं किया। जिसे चाहा हासिल किया, खेला और फेंक दिया। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे इंतजार करने की भी आदत हो गई है। मेरे जैसा जोर का बादशाह तुम्हारी मर्जी का गुलाम हो गया। सच? हाँ सुजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की दुनिया में तुम खुशी से खुद चलकर आओ। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है स्वीट हार्ट। आमिर खुराना यार। सर, मैं देवदास बोल रहा हूँ। हाँ बोलो देवदास। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने चरणदास और उसकी बीवी को मार दिया है। केसरिया को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन एसीपी अर्जुन उसे बचा ले गया। और इस वक्त अर्जुन आपके हॉस्पिटल में सबूत इकट्ठा करने के लिए चोरी छुपे पहुंच चुका है। क्या? और इस वक्त अर्जुन आपके हॉस्पिटल में सबूत इकट्ठा करने के लिए चोरी छुपे पहुंच चुका है। सिक्योरिटी चीफ को बुलाओ। गो। यस सर। सर वो आ गया। गुड मॉर्निंग सर। सिक्योरिटी कमजोर होने के कारण वो एसीपी अर्जुन हमारे हॉस्पिटल में घुस आया, इस बात का तुम्हें पता है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। याद आ रहा, हार्बर गेट की सिक्योरिटी टाइट करो। जी। इसकी जगह गुरुदेव को अपॉइंट करो। यस सर। और पता करो एसीपी अर्जुन की कमजोरी क्या है। तुम में से एसपी अर्जुन के भतीजी टॉमी कौन है? मैं पूछता हूं, तुम में से टॉमी कौन है? जल्दी से बता दो, वरना मेटरन का गला काट दूंगा। रुको, मैं हूं टॉमी।
अब क्या लेने आई है? मेरी जिंदगी से खेलकर तुझे चैन नहीं मिला, अब मेरे फर्ज के रास्ते में रुकावट बनने आई है। नहीं अर्जुन नहीं, मुझे गलत मत समझना, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आई हूँ। खुराना के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो लोग तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। तो तू क्यों परेशान हो रही है? मेरे मरने से तेरा क्या नुकसान होगा? अर्जुन मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? हाँ, तू मेरी हमदर्द है, मेरे भले के लिए अमीर खुराना की बाहों में बाहें डाल के घूम रही है। अरे तू जैसी लड़कियां तो नाम और शोहरत की चकाचौंध में जाने के लिए किसी के भी बिस्तर की जीनत बन जाती है। तू जैसी लड़कियों के लिए तो लाज और शर्म मंडी की वो सड़ी हुई चीज होती है जिसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। नहीं अर्जुन नहीं, सच्चाई वो नहीं है जो तुमने देखा है, सच्चाई तो वो है जिसे बोलने का तकदीर ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं तुम्हारी हर सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम आज तुम मुझे बोलने का मौका दो प्लीज। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने कोई बेवफाई नहीं की अर्जुन, तुम्हें पाके मैं बहुत खुश थी। उस रात मैं अपने ख्यालों में तुम्हारा ही नाम ले रही थी, तभी अचानक भारत माता इसे कुछ नहीं आता। मारने से मामला हल नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो। देखो गीता, हमारे धंधे का उसूल है कि जो हमारी उंगली करता है ना उसको हम लोग कभी माफ नहीं कर। क्या खेल रहे तुम लोग लड़की के साथ? अरे कमीने लोग, जल्दी अंदर भेजो रे उसको। अरे मेरी रानी, डॉक्टर अमीर कोरोना पे तो ना सैकड़ों लड़कियां मरती है, मगर तुम्हारी ये मरने की अदा हमें बहुत पसंद आई। अब तुम ही बताओ मेरे पास क्या था जिसे लेके मैं तुम्हारे पास आती, तुम्हें अपना मुंह दिखाती, तुम्हें झूठा खत इसलिए लिखा था कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब भी खुराना की मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं अपना देश छोड़कर पेरिस चली गई, कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं सूजी बनकर लौटी, उस राक्षस को अपना दोस्त बनाया, उसे अपने प्यार के चुंगुल में फंसाया, और वो पियकड़ ये ना जान पाया कि मैं वही गीता हूं। कई बार उसे मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब वो हरामजादा बच नहीं सकता, मैंने उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, अब कोई पावर कोई कानून उसे बचा नहीं सकता। अर्जुन पुराना तुम्हारी कमजोरी की बात कर रहा था, कहीं वो कमीना माजी या डॉली? माजी तो तीर्थ यात्रा पर गई है, हाँ डॉली हॉस्टल में है। तुम एक काम करो, तुम खुराना पर नजर रखो, मैं बॉम्बे फोन करके डॉली का पता लगाता हूँ। हेलो डॉन बॉस्को गर्ल्स हॉस्टल। हेलो मैट्रन, मैं अर्जुन वर्मा बोल रहा हूँ, डॉली कैसी है? आई एम सॉरी सर, कल कुछ गुंडे डॉली को उठाकर ले गए, मैंने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी है। Oh, oh, oh.
डॉक्टर आमिर खुराना यार। खुराना, मैं एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे पता था अर्जुन तुम मुझे फोन करोगे। तुम्हारी इज्जत इस वक्त मेरे पैरों में पड़ी है, बात करोगे? हेलो हेलो चाचू। डॉली डॉली तू ठीक तो है ना? मुझे बचा लो प्लीज चाचू, मुझे बचा लो ना डॉली। चाचू मुझे बचा लो चाचू। अब यकीन हुआ? कुराना, तुमने जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया। क्यों? तुम मेरे हॉस्पिटल में घुसकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हो, और मैं तुम्हारी भतीजी को किडनैप भी नहीं करवा सकता। हाँ, सुनो जी, इसे ऊपर ले जाओ। अच्छा अर्जुन, खुशखबरी सुनो, तुम्हारी भतीजी सियानी हो गई। खुराना! चिल्लाओ मत, डॉक्टरों को ज्यादा शोर पसंद नहीं। सीधी तरह से मेरी फाइल्स लौटाकर 12 घंटे के अंदर बॉम्बे वापस चले जाओ अर्जुन, तुम्हारी भतीजी तुम्हें वापस मिल जाएगी, वरना इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी, मतलब समझ गए ना? You bastard! मैडम, मैं डॉली बोल रही हूँ, मुझे बम्बई से कुछ गुंडे उठा लाए हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रॉन्ग नंबर। इनेंगा फोन इनेंगा। हेलो सर, मैं डॉली बोल रही हूँ, मुझे बम्बई से कुछ गुंडे उठा लाए हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। निन्ने सोले इनको पुरी लाए। हेलो अंकल, मेरा नाम डॉली है, मेरे चाचू बम्बई में एसीपी हैं। मुझे कुछ गुंडे बम्बई से उठा लाए हैं, प्लीज अंकल मुझे बचा लीजिए ना। देखो बेटा, तुम घबराओ मत, तुम वही रहो, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। हाँ। ठीक है? ये सर, इसे हॉस्पिटल भेज दो। ओके सर। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त कर दो। ओके सर। हमने अर्जुन को 12 घंटे का वक्त दिया है, अगर इस 12 घंटे में वो हमारी बात नहीं मानता तो दोनों को खत्म कर दो। लगता है इंजेक्शन का असर कम हो रहा है, इसे एक और बेहोशी का इंजेक्शन दे दो। यस सर। yes,
इसे वार्ड नंबर 1 के 707 में ले जाओ। चलो 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 जल्दी करो, चलो चलो, रुकिए, आप लोग वार्ड नंबर 2 में जाइए। चलिए चलिए। मालूम है वार्ड नंबर 1A707 कहाँ है? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ सख्त पहरा लगा हुआ है, वहाँ कई सिक्योरिटी गार्ड्स और वीडियो कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ जाना सीधे मौत के मुंह में जाना है। मैं डॉली के लिए मौत से भी टकरा जाऊंगा। लेकिन अर्जुन, तुम खाली मुझे रास्ता बताओ। चलो तलाश में तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, मुझे हर हाल में इसे यहां से निकालना है। Oh!
सर सर, अर्जुन ने सबको मार दिया है, वो यहीं आ रहा है। जिसकी इज्जत तूने लूटी थी, जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद की थी, मैं तुझ जैसे रावण को खत्म करने के लिए तेरी परछाई बनकर तेरे पीछे पड़ गई हूँ। आज तू बच के नहीं जा सकता। अर्जुन, हिलना मत। डोंट मूव। Thank you.
खुराना, अब तक मैं कानून का वफादार नौकर रहा, लेकिन आज मैं एक गैर कानूनी काम करने जा रहा हूं। तुझे मैं कानून के हवाले नहीं करूंगा खुराना, क्योंकि जब तक तुझ जैसा रावण इस धरती पर जिंदा रहेगा, न जाने कितने मासूमों की जिंदगी को तू बर्बाद करता रहेगा। सतयुग में राम ने रावण का वध किया था, इस युग में सीता रावण का वध करेगी। ये लो गीता, और चलाकर राख कर दो कलयुग के इस रावण की लंका को। अर्जुन, तुमने फर्ज और ड्यूटी की खातिर अपनी भतीजी को कुर्बान कर दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी की कीमत अनमोल है। हमें तुम्हारे जैसे ऑफिसर पर फख्र है। इस मुल्क में जब भी फर्ज और कानून की बात होगी, तुम्हारा नाम अदब से लिया जाएगा। ऑटो केसरिया को पकड़वाने में मदद करने वाले हरीश वर्मा को पुलिस द्वारा 2,00,000 रुपए का इनाम दिया गया, जिसे वो अपनी महबूबा के बाप को देकर अपने प्यार को पाने में कामयाब हो गया। ऑटो केसरिया को उसके गुनाहों के लिए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। जब दिल ने तेरा नाम लिया, मैंने दिल थाम लिया। ओ साथिया जाए ना